नमस्कार दोस्तों, जेपी किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ट्राई कलर सैंडविच। क्योंकि हमारा इंडिया का रिपब्लिक डे आ रहा है कमिंग वीक में, तो इसके लिए आज हमने ट्राई कलर सैंडविच बनाने का सोचा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राई कलर सैंडविच। इसके लिए हमने तीन ब्रेड लिए। हमने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिया, उसको नाइफ की सहायता से इसके कॉर्नर्स को ऐसे काट देंगे। हमने कॉर्नर्स काट दिए। अब ये जो है बैट के कॉर्नर्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, हम इसके बैट क्रम्स बना लेंगे। तीन स्लाइस लिए, उसमें हम जो फर्स्ट स्लाइस है, एक स्लाइस पहली स्लाइस पे हम ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे। हमने धनिया और पुदीने की हरी चटनी बना ली थी, इसको स्पून की सहायता से हम इसके ऊपर ऐसे फैला देंगे। ग्रीन चटनी हमने अच्छे से फैला लिया, और इसके ऊपर हम ये लेट्यूस का पत्ता लेंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम ये चीज स्लाइस है इसको इस तरह से रख देंगे, और इसके ऊपर हमने क्रस्ट पेपर लिया हुआ है, इसको इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। अब जो दूसरी स्लाइस है इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, जो सेकंड स्लाइस है, और स्पून की सहायता से एक चम्मच मेयोनीज लेंगे और स्पून की हेल्प से इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है हमने पूरी ब्रेड स्लाइस में। अब इसके ऊपर हमने ग्रिट ग्रिट करके कैरेट ले ली थी, कैरेट अप्लाई करेंगे, अच्छे से इसको फैला देंगे पूरी। अब इसके ऊपर हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर, और जो हमारी थर्ड स्लाइस थी इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ब्रेड की स्लाइस को, और विद द हेल्प ऑफ नाइफ इसको बीच में से कट करेंगे। अब हम इसको प्लेट में सर्विंग के लिए रखेंगे। दोस्तों, हमारे ट्राई कलर सैंडविच बन के तैयार हैं। आप भी चाहें तो अपने घर में ऐसे ही ट्राई कलर सैंडविच बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जेपी किचन की ओर से अगली रेसिपी तक के लिए बाय। आज मैंने शुभ रात्रि नहीं कहा क्योंकि ये मैं मॉर्निंग में बना रहा हूँ, संडे मॉर्निंग।